Good morning class. This is our new pharmacological class in which today we will start our new chapter, that is drugs acting on central nervous system. तो हमारे central nervous system की drugs हमारे को पढ़नी है. तो सबसे पहले हमारे को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ने होंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं. तो देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सीएनएस में आते हैं वो या तो इनहिबिटरी होते हैं या एक्साइटेटरी होते हैं या दोनों तरह के होंगे. न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं? ये कुछ एंडोजिनस केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से लेकर के दूसरी टारगेट सेल तक सिनेप्स के अक्रॉस जाते हुए, और जिससे कि न्यूरोट्रांसमिशन होगा. मतलब एक न्यूरॉन से सिनेप्स के थ्रू या सिनेप्स को क्रॉस करते हुए टारगेट सेल तक सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम न्यूरोट्रांसमीटर्स का होता है. ये ऐसे एंडोजिनस केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे नर्वस सिस्टम में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स रहे कि यहाँ पर इतने होंगे वहाँ पर उतने होंगे, नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम में होते हैं और अनइवनली कहीं कम कहीं ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. और रिसेप्टर्स के पैरेलल, ये जहाँ जहाँ रिसेप्टर्स हैं वहाँ वहाँ उसके पैरेलल ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. और ये एंजाइम्स को सिंथेसाइज भी करते हैं, उसको कैटाबोलाइज भी करते हैं, मतलब उनको बनाने का और तोड़ने का काम भी इनका होता है. कुछ केमिकल्स जो न्यूरॉन से रिलीज होते हैं उनका वो खुद के ऊपर या तो बहुत कम उनका इफ़ेक्ट होता है या कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता ही नहीं है, पर ये न्यूरोट्रांसमीटर के इफ़ेक्ट को मॉडिफाई करने का काम कर रहे होते हैं. हम कह रहे हैं कुछ न्यूरॉन से ऐसे केमिकल ट्रांसमिट होते हैं जो खुद पर तो कोई खास असर नहीं दिखाते पर न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफ़ेक्ट करते हैं. इन केमिकल्स को अपन न्यूरोमॉड्यूलेटर्स कहते हैं. तो हम नया जो टॉपिक बोल रहे हैं वो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन से रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, न्यूरॉन से रिलीज होकर के टारगेट सेल तक जाएंगे सिनेप्स के अक्रॉस और फिर अपना मैसेज भेजेंगे. फिर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को मॉडिफाई कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के इफेक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं. इन केमिकल्स को न्यूरोमॉड्यूलेटर्स कहते हैं, वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए मॉड्यूलेटर्स कहलाएंगे. मॉडिफाई कर रहे हैं ना. न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स की दो मेजर कैटेगरीज होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर्स और लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर्स. इनमें से कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर्स होते हैं. अब न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमॉड्यूलेटर की दोनों कैटेगरी जो हमने बोली ली उनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में मोनामीन्स आते हैं जैसे एसिटाइलकोलाइन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन. दूसरे कैटेकोलामाइन्स आते हैं जैसे डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन. और तीसरा अमाइनो एसिड्स आते हैं जैसे ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन. अब ये नाम आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये अपन पढ़ेंगे अभी सीएनएस के अंदर. ये गाबा, ग्लाइसिन, गाबा का नाम आपके पूरे सीएनएस के अंदर आएगा तो आप ये नाम याद रखिए. अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन वगैरह. लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर्स के अंदर लार्ज नंबर के पेप्टाइड्स आते हैं. अमाइनो एसिड्स की कुछ शॉर्ट चेन्स होती हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है जिनको अपन पेप्टाइड्स कहते हैं. इनको अपन न्यूरोपेप्टाइड्स भी कहते हैं. इसके अंदर कुछ ये सबस्टांस जो आपके दिए हुए हैं पी एन केफाला एन की फैलिन और वैसोप्रेसिन और कुछ दूसरे हॉस्ट ऑफ अदर्स जनरल, बस ठीक है इतना आपके लिए काफ़ी है. इसके बाद ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन सब के कौन कौन से इनके अंदर आ रहे हैं. तो सामने नाम लिखे हुए हैं, ये आप अपने खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई खास ही इंपॉर्टेंट नहीं, बस नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए सबस्टांस पी वगैरह. फिर रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स प्रोटीन नेचर के होते हैं जो जनरल जो सेल सरफेस पे पाए जाते हैं. ये पॉइंट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. सेल सरफेस पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह में होते हैं. रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं या फिर बाइंडिंग साइट होते हैं जो सरफेस पर या इफेक्टर सेल के अंदर होते हैं. ये सिग्नल मॉलिक्यूल या ड्रग को रिकॉग्नाइज करने के काम आते हैं और रिस्पॉन्स को शुरू करते हैं, पर इनका खुद का कोई फंक्शन नहीं होता. ये डायग्राम में दिखाया गया है. रिसेप्टर क्या करते हैं? इनको पहचानते हैं और रिस्पॉन्ड को देते हैं, अंदर रिस्पॉन्स ये दे रहा है पर खुद का इनका कोई खास काम नहीं है. यहाँ इनकी स्ट्रक्चरल फैमिली भी दी हुई है, देखिए भाई जी पी सी आर, बीटा एडर्जिक रिसेप्टर, मस्करनी कॉलर्जिक रिसेप्टर, ये पढ़ लिया अपन ने, है ना. तो ये सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जैसे स्टीरॉयड रिसेप्टर्स वगैरह.
फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स, सिनेप्स के जो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं उनमें जनरली ये सबसे ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं, वहीं पर ही एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जा रहे होते हैं। इनफ क्वांटिटी के न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज़ होने चाहिए प्रीसिनेप्टिक नर्व से, ताकि नर्व की एक्टिविटी के साथ, ताकि अपना अच्छे से इफ़ेक्ट दिखा सकें। अगर बहुत कम ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं तो इनका इफ़ेक्ट अपने को देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रीसिनेप्टिक पाथवे को स्टिम्युलेट करने के इफ़ेक्ट के जैसा ही मिमिक करना ज़रूरी है तो वो असर दिखाएगा, नहीं तो नहीं। अगर हम बाहर से कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नली हमने कोई चीज़ अप्लाई करी, तो हमारे प्रीसिनेप्टिक पाथवे को ही स्टिम्युलेट करना चाहिए, उसके इफ़ेक्ट को स्टिम्युलेट, या वो उसके जो स्टिम्युलेशन होता है उसके इफ़ेक्ट को मिमिक करना बहुत ज़रूरी। उसको कॉपी करेगा तब वो अपना असर दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अगर अवेलेबल हो तो स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट ही जो होते हैं वो स्टिम्युलेट कर पाते हैं या ब्लॉक कर पाते हैं पटेटिव ट्रांसमीटर के फंक्शंस को, जो हम मेज़र कर सकते हैं। फिर उनमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म भी होना चाहिए जो कि उस ट्रांसमीटर के एक्शंस को टर्मिनेट भी कर सके, जैसे री अपटेक के थ्रू या डिग्रेडेशन के थ्रू वो उसको रोक सके, ऐसा भी होना चाहिए। अब ये यहाँ पर सेल सिग्नलिंग और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बताया हुआ है कि कैसे ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। सेल्यूलर सिग्नलिंग लिंक्स करता है लिंक्स न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर एक्टिवेशन टू डाउनस्ट्रीम बायोलॉजिकल इफेक्ट। अब ये अपस्ट्रीम प्रोसेस, ये डाउनस्ट्रीम कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि, हालांकि वैसे हिसाब यही होता है कि जब हम फार्मा पढ़ रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हमारे को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, पर ये आपके लिए कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके कोई ऐसा सिलेबस में है नहीं, ना आप लोगों के एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ सकें, हम अपना कोर्स पूरा कर सकें, हमारे पास बस इतना ही टाइम है। तो ये आप खुद से देख लीजिएगा, मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ। सेल सिग्नलिंग और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में और बताया गया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं, कैसे स्टोर हो रहे हैं, कैसे रिलीज हो रहे हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये कैसे इनके एक्शन को टर्मिनेट किया जा सकता है। वहाँ पे जो डायग्राम था उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में बताया गया है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर को हमने क्लासिफाई किया केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर कई कैटेगरी में, जो हमने पहले ही बोली थी, जैसे अमाइनो एसिड, एस्ट्राइल कोलीन, मोनोअमीन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, प्यूरिन्स, लिपिड्स एंड गैसेस। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले एक बार फिर से वो लाइन मैं बोल दूं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं वो या तो इनहिबिटरी होते हैं या एक्साइटेटरी होते हैं या दोनों तरह के होते हैं। अब इनमें जो ये दिए हुए हैं, सबसे पहले इनहिबिटरी बताए गए हैं भाई, गाबा और ग्लाइसिन जो हैं ये इनहिबिटरी हैं, जबकि ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो हैं वो स्टिम्यूलेटरी इफ़ेक्ट दिखाते हैं सीएनएस पर। गाबा ग्लाइसिन सीएनएस पे इनहिबिटरी, गाबा ग्लाइसिन के अलावा डोपामिन भी होता है जो सीएनएस पे इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है, जबकि सीएनएस पर स्टिम्यूलेटरी इफेक्ट ग्लूटामेट और एस्पार्टेट दिखाते हैं। ये सीएनएस में सारे तीनों कंपाउंड्स जो है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफायर होते हैं न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी के। अब ये देखिए गाबा के बारे में, गाबा क्या है, एक मेन इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस का। गाबा सिंथेसाइज होता है ब्रेन में क्रैब साइकिल के द्वारा। गाबा बाइंड करता है, एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू एंड एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक आयनोट्रॉपिक और मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स ऑन बोथ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। हमारे प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर दो रिसेप्टर, चाहे वो आयनोट्रॉपिक हो चाहे वो मेटाबोट्रॉपिक, दोनों के ऊपर जो है ये बाइंड होकर के अपना एक्शन दिखाता है। इसके अलावा इट ऑल्सो मीडिएट्स इनहिबिशन विद इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड बिटवीन द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द सब्सटेंशिया नाइग्रा, इन दोनों में भी इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। इसके बाद दूसरा, इस गाबा रिसेप्टर्स के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप का रिसेप्टर होता है, बस इतना काफ़ी आपके लिए, इसको बहुत ज़्यादा अपन को नहीं दिखाना। बहुत सारी ड्रग्स जो होती है इसके साथ में, इनका ड्रग्स का ये टारगेट होता है गाबा रिसेप्टर, जैसे कि बेंजोडाइजापिन, बारबिट्यूरेट्स, एथेनॉल, एनेस्थेटिक स्टीरॉइड्स, वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स का ये टारगेट गाबा रिसेप्टर होता है।
ये मेटाबोट्रॉपिक के बारे में बताया गया है, स्केलेटल मसल लेग्स एंड्स वगैरह जो होती हैं ड्रग्स जैसे कि बैक्लोफिन, GHB, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वगैरह इसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई आपकी ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जो नॉर्मली तो प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेटेड रहता है एंड दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। मैं बताई चुकी हूँ ऑलरेडी, ये इनहिबिटरी होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम के अंदर। ग्लाइसिन जो है को एगोनिस्ट है NMDA रिसेप्टर का, दोनों के दोनों जो हैं ग्लूटामेट और ग्लाइसिन ये प्रेजेंट होने चाहिए एक्टिवेशन के लिए। ग्लाइसिन रिसेप्टर के एगोनिस्ट में ट्यूरिन और बीटा एलेनिन आता है, या ट्यूरिन टायरिन उसको बोल सकते हो आप, और एंटागोनिस्ट इसके स्ट्राइकनिन है इसका एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है ग्लूटामेट एस्पार्टेट, ये डाई कार्बोक्साइलेट अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक्साइटेटरी एक्शन दिखाता है CNS के अंदर। ये दोनों अमाइनो एसिड्स भी हाई कंसंट्रेशन में ब्रेन में पाए जाते हैं और बहुत ही पावरफुल एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर। ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा एबंडेंटली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और प्रिंसिपल फास्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला और प्रिंसिपल फास्ट कौन सा है? ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट या तो एक्ट करता है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स रिसेप्टर पर या मेटाबोट्रॉपिक GPCRs रिसेप्टर्स के ऊपर। जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है उसके अंदर NMDA रिसेप्टर, AMPA रिसेप्टर और KA रिसेप्टर्स आते हैं। फिर ये ग्लूटामेट एस्पार्टेट का क्लासिफिकेशन, इनके सेप्टर्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया था, पढ़ लीजिएगा इसको भी आप। सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं है ना, कॉलनर्जी के अंदर अपन ये पढ़ चुके हैं। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन करता है। ये फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो डिस्कवर किया गया था और प्राइमरी रोल होता है इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। हम ENS पढ़ चुके हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें भी गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर इसका रोल है। ये निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्करैनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होकर के अपना एक्शन दिखाता है, ये आप पढ़ चुके हैं ठीक है। अब इसको अब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। मोनामीन्स जो नेक्स्ट है, मोनामीन्स के अंदर डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये ड्रग्स आती हैं। हर एक सिस्टम एनाटॉमिकली अलग होता है और सर्व करता है एक सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में, पर सिमिलर और फंक्शनल रोल जो होता है उसके इनर्वेशन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इनर्वेशंस कहाँ कहाँ पे वो इनर्वेट हो रही हैं चीज़ें। अब डोपामिन एक नॉरएपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर नॉरएपिनेफ्रिन है जो कि प्रीडोमिनेंट कैटेकोलामाइन है CNS के अंदर। डोपामिन रोल प्ले करता है मोटिवेट करने का, रिवॉर्ड करने का, मोटर को कंट्रोल करने का, वेरियस हार्मोन्स को रिलीज करने का। बहुत सारे हार्मोन्स को मोटिवेट कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है, मोटर कंट्रोल कर रहा है, रिलीज भी कर रहा होता है। 4 मेजर DA जो है वो पाए जा रहे होते हैं, नाइग्रोस्ट्राइड पाथवे, मेसोकॉर्टिकल, मेसोलिम्बिक और ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे। बस ठीक है, आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट मोनामीन में नॉरएपिनेफ्रिन आ गया जो लार्ज अमाउंट में पाया जा रहा होता है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर और लिम्बिक सिस्टम के सेंट्रल जोन में। बस इतना नाम ही आपके लिए काफ़ी है। हिस्टामिन एक मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर है CNS में। इसका वेल नोन फिजियोलॉजिकल फंक्शन इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स के अंदर होता है हमारे पेरिफ्राई के अंदर, ये बात आपको पता है। इन्फ्लामेशन वगैरह में हिस्टामिन रिलीज होता है, चोट लग जाए वहाँ सूजन आएगी ना, उसमें हिस्टामिन का रोल होता है, हमारे ब्रेन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। नेक्स्ट सीरोटोनिन जिसका नाम है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन, ट्रेसामीन्स। फिर ये पेप्टाइड्स के बारे में, ये मॉड्यूलेटर का काम कर रहे होते हैं हमारे CNS में, या तो एक्साइटेशन करेंगे या इनहिबिशन करेंगे। ये पेप्टाइड्स का के सारे एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा आप इन एग्जांपल्स को। इसके बाद प्यूरिन्स
तो आप ही जानते हैं एडिनोसिन, एटीपी, यूडीपी, यूटीपी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। बस ठीक है, इतना आपके इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे गैसेस भी हमने बोली थी, लिपिड्स बोले थे, लिपिड मीडिएटर्स होते हैं, गैसेस होते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर है हमारे वैस्कुलर और इन्फ्लामेटरी मीडिएशन के अंदर। रेगुलेटरी सबस्टांस में न्यूरोट्रोफिन्स, न्यूरोस्टीरॉइड, साइटोकाइंस आती हैं। न्यूरोनल टिश्यू के अंदर बनने वाले न्यूरो एक्टिव स्टीरॉइड्स को अपन न्यूरोस्टीरॉइड्स कहते हैं। इनका ये स्ट्रक्चरल फीचर्स पर बेस्ड होते हैं, न्यूरोस्टीरॉइड्स को अपन उसी के बेसिस पर कैटेगराइज कर रहे हैं, NMDA, AMPA जो नाम अभी अपने रिसेप्टर्स कहे थे ना। फिर ये साइटोकाइंस लो मॉलिकुलर वेट के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी अलग अलग सेल टाइप्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं और सेलुलर फंक्शंस को मॉड्यूलेट करते हैं, जैसे ग्लाया, प्राइमरी इम्यून इफेक्टर सेल्स CNS के अंदर, ग्लाया, माइक्रोग्लाया, एस्ट्रोसाइट्स, ये आपने एना के अंदर पढ़ी होंगी। और साइटोकाइंस की कैटेगरी देखिए, IL-1 बीटा, IL-6, TNF-अल्फा, AFN-गामा। बस इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म।